भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद पर रहने वाला शख्स, देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला शख्स, देश की रक्षा का भार उठाने वाला शख्स, विदेशों में भारत की अलग पहचान बनाने वाला शख्स, और इस शख्स को चुना गया है भारत रत्न, यानी भारत का वो रत्न जो अमूल्य है, अद्वितीय है, जिसने भारत की तन मन और धन से सेवा की है, सेवा जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये शख्स हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्हें अब राष्ट्रपति के हाथों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के बीरभूम जिले में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। छात्र रहते ही प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के संपर्क में आए और फिर साल 1952 में पहली बार पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए। जुलाई 1969 में उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा गया और फिर 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। राजनीति में प्रणब मुखर्जी का कद हमेशा ऊंचा रहा। इंदिरा गांधी के करीबी रहते हुए प्रणब दा का कद राजनीति में बढ़ा तो नरसिम्हा राव सरकार के दौरान वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष भी बने। 5 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी हर पार्टी के करीबी रहे, उनके हर पार्टी में दोस्त रहे और हर पार्टी उनकी बातों का सम्मान करती रही। ये प्रणब मुखर्जी का ही कद था कि मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया, फिर भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और फिर भारत के विदेश मंत्री की अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। कांग्रेस को अपना राजनीतिक जीवन समर्पित करने वाले प्रणब दा को कांग्रेस ने कभी भुलाया नहीं। मौका आया तो उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रणब दा राष्ट्रपति पद से हटे तो कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। संघ के कार्यक्रम में भी प्रणब मुखर्जी ने मंच साझा किया और अब उनकी प्रतिभा का सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से नवाज कर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।